फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं लुधियाना एंड वहाँ पे जा तो ऐसे हॉस्पिटल रहे हैं किसी काम से, बट आपको ना लुधियाना शहर भी दिखा देंगे दिन में थोड़ा थोड़ा, मतलब जितना हम लोग देखेंगे उतना। यहाँ सिर्फ हॉस्पिटल में मास्क पहनते हैं, बाकी तो कहीं नहीं पहनते। ऐसे हॉस्पिटल में भी कोई नहीं पहना। तो अपना काम हो चुका है हॉस्पिटल का और अब हम लोग फ्री हैं, मैं और मम्मी और डैडी और मेरा भाई जा रखे हैं बैंक। ये अगर नगर है और ये मेन गेट से आप जब एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा टेंपल है और इधर छोटा सा पार्क है और इधर भी एक छोटा सा पार्क है, मतलब इधर थोड़ा इस वाले पार्क से थोड़ा बड़ा सा पार्क है। और हम लोग आ गए हैं पार्क में, मतलब मैं पार्क की फ़ैन नहीं हूँ यार, ऐसा मत समझना कि मैं पार्क की फ़ैन हूँ, बट हम वेट यहाँ पे कर सकते हैं ना, बेटर प्लेस ये है। अभी डैडी को काफ़ी टाइम लगेगा तो कहाँ हम लोग बाहर सड़क पे इंतज़ार करेंगे, तो सोचा यहाँ शांति में बैठ के इंतज़ार करेंगे। सो आज मैं आपको दिखाऊंगी लुधियाना का पार्क। मेरा व्लॉग का नाम मुझे पार्क रख देना चाहिए। हेलो आंटी, इन्होंने पूरा अच्छे से ड्रेसअप कर रखा है, पंजाबी लुक। आंटी का अंकल के हाथ कहाँ गया, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर वाला सीन हो रखा है अंकल के साथ। ये हाथ हमको दे ठाकुर। हमें एक ऊंट भी मिला है, ओ हिल रहा है यार। मुझे इसको देखकर वो बिस्लेरी की ऐड याद आ गया, आप देखते हो वो बिस्लेरी की ऐड में वो पानी पीता है, पानी पिएगा? ये बिस्लेरी है? हाँ हाँ बिस्लेरी है। भाया ऊंट है, गधे नहीं। पानी की बोतल बिस्लेरी नहीं, इसलिए हाथ इनके हाथ कहाँ चले गए? पानी निकालने आपको आते यार, कुआ है यहाँ पे यार, प्रॉपर कुआ। मैं दिखाती हूँ आपको कितना गहरा, ज्यादा नहीं है। एक उधर खड़ी है। कहाँ खड़ी? ओ वो पेड़ों में खड़ी है। तो ये आंटी के इधर आसपास फूल हैं, इन्होंने लहंगा वाली ड्रेस पहनी हुई है और इनके हाथ नहीं आई है। सो कोई बात नहीं, इन्होंने भी पूरा पंजाबी ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रखा है, इन्होंने सलवार सूट पहन रखा है। लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा, घोड़े की दुम पे। तो ये सीसा है, अकेले तो नहीं कर सकते इसको, मतलब कर सकते हैं। ये वेल फिश के ऊपर बैठो और ऐसे हवा में उड़ो। तो गोवा वाला बीच बना रखा है, हम लोग गोवा वाले बीच पर चलते हैं। देखो लिटरली इन्होंने गोवा वाला बीच बना रखा है, तो एक झूला भी है अच्छा। सो ये है हमारा गोवा वाला बीच। यार मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा था, मतलब व्लॉगिंग के चक्कर में मैं दुनिया थोड़े अलग नज़रिए से देखना स्टार्ट कर देती हूँ। और एक यहाँ पे ये हट बना रखी है छोटी सी। सो यहाँ पे आइए, बैठिए, बारिश का मज़ा लीजिए, बारिश होनी चाहिए। एक वहाँ पे भी है। हेलो दीदी, ओह तो डंडा लेके मार रही हैं यार, कुल्हाड़ी, ये तो कुल्हाड़ी लेके मार रही हैं। पूरा फॉरेस्ट एरिया बना रखा है। दीदी से मिल के आए क्या? रास्ता नहीं है यार, नहीं तो मैं मिल के आती। कुल्हाड़ी ले रखी है, वो देखो आप, दिख रही है आपको कुल्हाड़ी है ये, यूनिफॉर्म के पास कुल्हाड़ी है। तो हम लोगों ने यहाँ पे भी एक्सप्लोर कर लिया पार्क। वहाँ पे ना एक उन्होंने वो बना रखा है झरना जैसा, हम क्या कहते हैं उसको, फाउंटेन गिरता है ना वो, यहाँ पे पानी आता होगा कभी बट आ नहीं रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ना ये कुछ पहाड़ों वाली, कुछ माउंटेन वाली फीलिंग दे रखी है, वो कुछ गोवा वाली फीलिंग दे रखी है। तो ये पूरा पार्क जो है वो अलग अलग आपको अलग अलग जगह का वो देगा, थोड़ा थोड़ा याद दिलाएगा। यहाँ पे पानी आप उसको समुद्र मान लेना, ठीक है, जब इधर पानी भरेगा तो। अच्छा आप इस तरह से कुछ हरकतें करते हो क्या पार्क में आके? नहीं करते हो क्या? ना पता है, किटकैट खाया करो, थोड़ा देख लिया करो लाइफ से, क्या पता लाइफ आपको कुछ अच्छा दिखा दे। अंकल बोलो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बोलो उससे। मैं चलते हैं अब यहाँ। अच्छा हाँ, एक और चीज़ मिल गई मुझे यहाँ पे, पता है हम लोग छोटे हुआ करते थे ना, या मेरे को ना इस झूले पे झूलने का मन कर रहा है, बट यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, अब मैं इनको उठा के बोलूँगी मेरे को झूलना है तो कुछ अच्छा नहीं लगता ना, तो ऐसा नहीं बोल सकते ना, बट मन कर रहा है बहुत ज़्यादा। ये इस पर हम लोग लटक कर हम लोग वो हाइट बढ़ाने की कोशिश करते थे, साल में दो बार जाया करते थे, तो उससे हाइट में इम्प्रूवमेंट हो जाता होगा, पता नहीं। तेरे नाम बंदर, गिलहरी, कौन सा जानवर है ये, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सा जानवर है। पहले
लिखा है स्कूटर इधर लेके जाओ, अगर मेरे पास स्कूटी है तो मैं किधर लेके जाऊँ? कलर चेंज हो गया, तो देख सकते हो क्या लुक है, वाओ कलर इफेक्ट। तो अब हमने फिल्टर ऑन कर लिया, यहाँ अलग फिल्टर चेंज हो जाता है, कलर चेंज फिल्टर चेंज। जहाँ जहाँ मैं घूम रही हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। इन्होंने ये देखो सीमेंट की बना रखे हैं, यहाँ पे झूले सीमेंट के बना रखे हैं, पक्का काम करते हैं, कुछ भी कच्चा नहीं है। यहाँ पे श्रवण कुमार हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को चारों धाम की यात्रा करवाई थी ऐसे बिठाकर। लगा रखे अभी राजू दी हट्टी पर, यहाँ पे ना अच्छा सामान मिल जाता है, सही जगह पे मिल जाता है, तो ये सही लगता है, सुपर मार्केट की तरह है। लोगों ने शॉपिंग भी कर ली और पार्क में भी घूम लिया, अभी तक डैडी और विष्णु नहीं आए, अभी क्या करेंगे मम्मी? क्या करें, नाश्ते रख। यहाँ पे अभी इतनी भीड़ नहीं है जितना उस दिन क्राउड था, इतना क्राउड नहीं है यहाँ पे। 3 दिन हो चुके हैं क्रिसमस, मतलब आज 27 है तो थर्ड डे मान सकते हैं। और अभी तक इन्होंने वो जो डेकोरेशन थी ना क्रिसमस वाली, वो हटाई नहीं है, अभी तक यहाँ पे ट्री लगा रखा है। तो दिन में कुछ इस तरीके का यहाँ पे दिखता है। वैसी है कुछ भी नहीं हटाया इन्होंने, वहाँ पे भी सेंटा क्लॉस लगा रखे हैं, मैं इधर स्नो लगा रखी है। सो मुझे लगता है न्यू ईयर तक चलाएंगे ये अपना मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस, ओ यार लिटरली मैंने एकदम, मैंने सोचा कोई बच्चा खड़ा है यहाँ पे। सेल 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 सेल, जस्ट किडिंग। मतलब इतनी सारी बाइक्स खड़ी कर रखी हैं यहाँ पे, स्कूटी खड़ी कर रखी हैं पार्किंग में। एंड इस स्कूल में ना एक चर्च भी है जिसमें हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि ये स्कूल के अंदर की चर्च है। मैं चर्च में कभी नहीं जा पाती यार, कभी बंद होती है और कभी स्कूल के अंदर होती है। सो फाइनली अब हमारा काम हो चुका है और हम लोग चल रहे हैं घर, बहुत टाइम के बाद।